हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो है आप चैप्टर नंबर 5 है। आई विश आई वॉज स्मॉल ये एक वेल की कहानी है, वेल मछली की कहानी है। एक वेल मछली एक बड़ी मछली होती है। इस कहानी का टाइटल है आई विश आई वॉज स्मॉल, काश मैं छोटा होता। अभी हम इसकी कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम बेबी वेल कॉल कनानी लिव्ड इन द ओशन। शी वॉन्टेड टू बी स्मॉल लाइक हर फ्रेंड लीला द क्लोन फिश। हेलो कनानी, हाउ आर यू? हाय लीला, आई एम फाइन। इट इज सो नाइस टू सी यू। Suddenly, they saw their friend Wala the pelican. The whale hunters are coming. You must hide. Quick, quick. Thank you for warning us, Wala. Thank you for warning us, Wala. What shall I do? Where can I hide? Is there any big place where I can hide too? I have an idea. Follow me into my cave. Nobody will find you here, you there. Kanani pushed and pushed, but only the tip of her pail could go into the cave. Kanani began to cry. Oh no! I am so big, I can be seen from far away. How I wish I was small. Just then came a big grandfather whale swam up to Kanani. हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। ये कहानी एक वेल मछली कनानी की है, ये है, और उसकी दोस्त लीला ये है क्लोन फिश, जिसका कलर क्लोन की तरह से होता है। तो कनानी और लीला एक ओशन में रहती है, समंदर में रहती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एक दिन ये दोनों जा रहे थे कि उनका दोस्त वाला ऊपर से उड़ता हुआ क्वाक क्वाक करता हुआ आया और कहा, द वेल हंटर्स आर कमिंग, यू मस्ट हाइड, क्विक क्विक। कनानी और लीला से कहा कि देखो, वेल मछली को हंट करने वाले, शिकार करने वाले आ रहे हैं किश्ती से, जल्दी तुम कहीं छुप जाओ वरना तुम्हें भी शिकार करके ले जाएंगे। कनानी ने कहा बहुत शुक्रिया वाला, मुझे आगाह करने के लिए, मुझे बताने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर अब ये दोनों जो है छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। कनानी ने अपने दोस्त लीला से कहा, मैं कहाँ छुपूं, मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मेरे लिए एक बड़ा सा जगह कहाँ मिलेगा जहाँ मैं छुप सकूँ शिकारियों से। लीला ने कहा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है कनानी, तुम एक काम करो, मेरे केव में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर तुम भी छुप जाओ, और जब तुम छुप जाओगे तो शिकारी तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। कनानी उसके केव की तरफ गई और पुश किया, लेकिन वो उसके अंदर जा ही ना सकी। वो उसकी दुम का एक टिप थोड़ा सा अंदर केव में गया, उसका पूरा जिस्म बाहर निकला रहा। कनानी रोने लगी, कहा, मैं तो दूर से भी दिख जाऊंगी, मैं तो शिकार हो जाऊंगी, अब मैं क्या करूं, काश मैं छोटी होती तो मैं भी लीला के इस केव में पहुंच सकती थी, जा सकती थी, लेकिन अब मैं नहीं जा सकती, ये कहते हुए रोने लगी। एक
उस वक्त एक ग्रैंड फादर आए जिसका नाम केन था, यानी वेल मछली का मैं जो बहुत बुजुर्ग एक बूढ़ा वेल मछली था वो आया, और आने के बाद वो कनानी की तरफ डायरेक्ट जो है स्विम करती हुई वहाँ चली गई। हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो हमें आज इसमें क्या करना है, इसमें हमें रीडिंग करना है पहला, तो दूसरा हमें इसमें से वर्ड्स को निकालने हैं जो नए वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स। ठीक है, चलो हम यहाँ करते हैं। Once upon a time, a baby whale called Kanani lived in the ocean. Lived, lived, ocean, O-C-E-A-N, ocean. Next है, she wanted to be small like her friend Leela, a clown fish. Wanted, पहला तो, W-A-N-T-E-D, wanted. ठीक है, next है clown fish. Clownfish. उसके बाद आ गया suddenly. Suddenly को करना है, यहां देखो suddenly को हमें अंडरलाइन करना है। suddenly के बाद they saw their friend Wala the pelican को हमें करना है। The whale hunters मतलब शिकारी, hunters को अंडरलाइन करना है। Are coming, you must hide, hide और quick को भी करना है। Next है, thank you for warning us. Shall, I do, where. Fair, big place where I can hide too. Place, P-L-A-C-E, place. तो next है हमारा follow me. I have an idea हो गया, और follow me into my cave. Nobody will find you there. Deep dark cave. Leela swam into her deep dark cave. Kanani pushed, but only the tip of her tail could go into the cave. Leela was stuck. Kanani was stuck. मतलब फंस जाना. Stuck. Kanani began to cry. Oh no, I'm so big. I can be seen from far away. How I wish I was small. Whale swam up. ये सब हैं words कि जिसको हमें underline करके इसको लिखना है। ये हमारे पास ये नए words हैं जो आज हमने सीखा है। ठीक है, ये नए words मैं आपको लिख के दूंगा। अब यहाँ इस कहानी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, इस कहानी में क्या है, कहानी में ये है कि जो वेल है, कनानी जिसका नाम है, वो कहती है कि काश मैं छोटी होती। आई विश आई वॉज स्मॉल। ठीक है, तो हम यहाँ जरा जो हमने लेसन पढ़ा है उसका क्वेश्चन भी जरा देखते हैं क्या कह रहा है। हु वॉज कनानी कौन थी। What did she want to be? Kanani was a baby whale
एंड शी वॉन्टेड टू बी स्मॉल लाइक हर फ्रेंड लीला। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो हम आंसर भी आपको लिख देते हैं ताकि आपको जो है इसको याद करने में आसानी हो। सबक के साथ हम आंसर भी लिखेंगे तो आप लोगों को जो है इससे आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज कनानी, कनानी कौन थी। कनानी एक बेबी वेल थी। व्हाट डिड शी वांटेड टू बी, वो क्या बनना चाहती थी। शी वांटेड टू बी स्मॉल लाइक हर फ्रेंड लीला। ठीक है, व्हाट डिड वाला वॉन कनानी अबाउट, यानी वाला उसके दोस्त वाला ने किस चीज के बारे में उसको वॉन किया यानी खबरदार किया, या वाला ने उसको वेल हंटर्स के बारे में खबरदार किया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिसको हम अभी लिखते हैं और जो है आप लोग इसको याद करेंगे। मैं अभी आपको लिख के भेज देता हूँ ये दो कहानी, लेकिन इसकी लेसन को आपको बहुत अच्छे से रीडिंग करना है इंशाल्लाह।